reaction and then it will excite anode. Then there is this reaction. This is the oxidation upside reaction. This is the reduction upside reaction. When it acts as cathode, कैथोड करके जब एक्ट होता है तो क्या होता है, तो पहले हम एच पॉजिटिव सिंगल वर्टिकल लाइन प्लैटिनम सॉरी सिंगल वर्टिकल लाइन बीच गैस एच टू गैस एंड प्लैटिनम इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं पहले आयन बाद में मेटल, तो पहले लिखा एच पॉजिटिव आयन, उसके बाद हाइड्रोजन गैस और उसके बाद प्लैटिनम, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है हवा में नहीं उड़ेंगी किसी के ऊपर तो भी क्या होगी एडजॉर्ब। सो लेकिन अगर वो एनोड करके एक्ट होता है तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं प्लैटिनम एच टू गैस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एच टू एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 1 एटमोस्फियर। यहाँ पे भी एच पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलर और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 1 एटमोस्फियर। सो एच पॉजिटिव 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, एच टू गैस का प्रेशर है 1 एटमोस्फियर एंड दिस इज अबाउट द एस एच ई दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है साहब? तो कीप इन योर माइंड दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड व्हिच इलेक्ट्रोड? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो सेल है, ये सेल जब काम करते हैं देखो क्या करते हैं, काम जैसे आप काम करते हो वैसा ये फैन भी क्या कर रहा है, काम है ना। ये मशीन भी क्या कर रही है, काम। ये माइक भी क्या कर रहा है, काम। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहे हैं? अगर वो चली गई तो क्या ये काम कर पाएंगे? अरे काम कर पाएंगे क्या? नहीं। ठीक है, ये सब काम किसकी वजह से कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो क्या ये कार्य कर पाएंगे? तो ये सब कार्य कर पा रहे हैं ड्यू टू व्हिच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दे ऑल आर प्लेइंग द वर्क और दे ऑल आर डूइंग द वर्क ड्यू टू द व्हिच एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And so what I can say, electrical energy can be converted, electrical energy is converted into work. And that work is called which work? Electrical work. Electrical work. That electrical work, okay? And this electrical work is nothing but we have the one energy. That is called which energy? Gibbs free energy. What is Gibbs free energy? It is the amount of energy available in a system. Which can be converted into useful work. जिसका कन्वर्शन हम काम कर सकते हैं यूजफुल वर्क, ऐसी एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। कौन सी एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, जिसका कन्वर्शन हम यूजफुल वर्क में कर सकते हैं। जैसे अभी आप खाना खा के आए होंगे, तो वर्ष पर जो लिस्ट है, ठीक है, अरे खाना खा के आए होंगे ना आप, कभी तो जिंदगी में खाना खाया होंगे ना आपने कभी? नहीं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, खाते बच जाओ, ठीक है, ऐसे ही रहते जाओ, ठीक है, तब भी देखो कितने जान दो अभी, ठीक है, ठीक है, कितना वेट बढ़ गया, कुछ खाते नहीं तो भी, खाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, अभी तो खाया होंगे ना कभी, ठीक है, तो इधर ध्यान दो बच्चों। अभी आप घर इमेजिन करो कि आप घर से खाना खा के आए हो बराबर, तो काम थे बेटा तन में काई ने, तो जब आपने खाना खाया तो फिर आप कहाँ निकल गए? बैचेस को निकल गए। तो फिर आप क्या कर रहे हो बैचेस में? नींद नहीं रहे, वर्क कर रहे। क्या कर रहे हो? वर्क। फिर आपको भी एक बार का आपने खाना खाया तो कभी खाना खाने की डबल खाना खाने की कभी जरूरत गिरती क्या? हाँ गिरती। तो सुबह खाया तो फिर से शाम को खाने की जरूरत गिरती है, क्योंकि सुबह जब खाया उससे आपको एनर्जी मिली जिसकी मदद से क्या हुआ? वर्क। अरे वो ना क्या हुआ? वर्क। ठीक है, तो इनिशियली जब सुबह 11 बजे आपने खाना खाया तो आपके बॉडी में दिन भर काम करने की क्या थी? एनर्जी। सो दैट एनर्जी वॉज कन्वर्टिंग इन टू द वॉट? वर्क। ऐसी एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो सुबह जीवन था,
What is jivan? Gifts free energy under the initial condition. So it was jivan. Jivan kitna tha? 10 joule. 10 joule itni energy thi. Ab sham hote aayi. To phir aapke body mein bahut kam energy bachi. That is what? Jitu. Jitu, pain se jyada rahe. Jivan se bada rahega ki chota? Chota. I consider it is how much joule only? 2 joule. अभी बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप 2-4 घंटे काम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं. तो ये जीतू है. अब इतनी एनर्जी, पहले 10 एनर्जी थी जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती थी, अब कितनी बची है? सिर्फ 2. मतलब कितनी चली गई? 8. कायमे चली गई वर्क में. तो इसने इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज द वर्क. व्हाट इज द डिफरेंस? जीतू माइनस जीवन इज इक्वल्स टू डेल्टा जी, है ना. जीतू 2, जीवन 10 इज इक्वल्स टू माइनस 8. इतना क्या हुआ? वर्क. और इसी वर्क को हम कहेंगे, अब ये तो वर्क हो गया बच्चों. अब ये वर्क होता है तो ये हमारी जो बैटरी होती है, आपके मोबाइल की जो बैटरी होती है, वो भी क्या करता है? वर्क. ठीक है. एंड दैट वर्क इज कॉल्ड विच वर्क? इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना. अब कौन से मोबाइल का गाना कितने जोर से बजेगा वॉल्यूम फुल करने के बाद, ये डिपेंड करता है. ये डिपेंड करता है मोबाइल की बैटरी कैसी है. अरे बराबर ना. अच्छा जाने दो, मोबाइल जाने दो उधर. ये अपने स्पीकर का आवाज कितना आएगा या जो भी है, या जान दो दूसरा बताता. ठीक है. तो आई जस्ट कंसीडर हियर. ठीक है. वर्क, वर्क तो समझ गए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से वर्क तो समझ गए. अभी हमारे पास वायर है. वायर, वायर पता है ना. और वायर का एक इसमें डाला प्लग और बटन चालू की, और वायर है मोबाइल के चार्जर का इतना सा बारीक, और उसका ये एक एंड आपको लगाया इसे, तो क्या होगा? आपको करंट लगेगा? नहीं लगेगा. लगेगा लेकिन बहुत कम निकली जीवर. और मोबाइल का चार्जर ही आपने इसे हाथ में पकड़िए, इधर से चालू कर दिया. करना मत घर को जाके. हाँ ठीक है, लग भी सकता है एक बार. तो आपको करंट लगेगा लेकिन आप कुछ हिलेंगे ढुलेंगे नहीं. तो वर्क कैसा हो रहा है? कम. बराबर. लेकिन अगर वो अपने घर पे लाइट आती पोल से, काला वायर है, सी जर्मन का रहता है, वो एल्यूमिनियम का रहता है. ठीक है. नहीं रहता है, देखा भी नहीं होगा आपने. देखा है क्या? हाथ मत लगाना कभी उसको. ठीक है. तो उसको वो डाला इसमें और अब पकड़ा, विषय खत्म. बहुत वर्क हुआ. वर्क कैसा हुआ? बहुत ज्यादा. तो क्यों? क्योंकि वहां पे क्या ज्यादा है? पोटेंशियल. और वहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, मोटा वायर है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैसे आए? ज्यादा. तो नंबर ऑफ, मतलब वर्क कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. और वो बड़ा वायर, अगर आप मोबाइल के बैटरी के इसमें से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेना चाहेंगे, तो वायर चाहो कितना भी बड़ा हो, करंट लगेगा क्या? नहीं. लेकिन वो अगर आपने बड़े सप्लाई में डाला और उधर से एनर्जी ली, तो करंट कैसा लगेगा? ज्यादा. और इसीलिए वो डिपेंड करता है उस सेल के पोटेंशियल. ये वर्क जो होता है, ये दोनों को कैसा करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और इसीलिए इस वर्क को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? डेल्टा जी. एंड दिस डेल्टा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. एंड इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल पोटेंशियल. कौन सा पोटेंशियल? सेल पोटेंशियल. एक बात हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कितना मोल? 1 मोल, देन इट ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 96500 कूलोंब इज इक्वल्स टू 1 फैराडे. तो 1 मोल गया तो 1 फैराडे. अब एक्स एन मोल गए तो कितने? तो कितना इज इक्वल टू एनएफ. ठीक है. तो एनएफ क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसीलिए कितना वर्क होगा, ये डिपेंड करेगा कितनी इलेक्ट्रिसिटी गई और कितने पोटेंशियल का वो क्या था? सेल. और इसीलिए वहां पे होने वाला जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एनएफ को. एंड इट विल ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई सेल. And so we can have the formula here. Delta G is equals to NFE cell. क्या formula रहेगा once more?
delta G is equals to NFEZ, where N is the number of moles of electron transfer. F is the Faraday. 1 Faraday is equals to 96500 coulomb. And E cell is the which potential? Cell potential. अगर standard delta G is equals to minus, क्योंकि work वहाँ पे जो होता है ना delta G minus आया था ना अभी, ठीक है, तो delta G is equals to minus NF E cell. और we have again one more formula, delta G zero. This is under the which condition? Standard condition. तो standard condition में क्या रहेगा? Delta G is equals to minus NF E zero cell. Delta G is equals to minus NF E zero cell. This is called a which work? Electrical work. So what is the electrical work? Delta G zero is equals to minus NF E zero cell, or delta G is equals to NF E cell. Delta G is equals to NF E cell or minus NF E zero cell. तो इस तरह से हमारे पास ये डेल्टा जी और डेल्टा जी जीरो होता है, और इस डेल्टा जी और डेल्टा जी जीरो के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है. एंड दिस रिलेशन इज गिवन बाय, कैन एनीवन अमंग यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी जीरो. फर्स्ट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो सारा वो इधर ही है, हाँ, माइनस की प्लस माइनस, हाँ, 2.303 आरटी लॉग ऑफ क्यू टू द बेस, ठीक है. डेल्टा जी अपॉन शुक्ला का बरोबर है डेल्टा जी जीरो इज इक्वल्स टू ए जीरो सेल का बरोबर है. अच्छा ये देखो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, तो ये ई सेल का है, माइनस एन एफ नहीं चाहिए. ये फॉर्मूला है इसका, ई सेल इज इक्वल्स टू ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू टू द बेस 10. आप बोलेंगे ये क्यू क्या है, ठीक है, और उधर के इसमें प्लस चाहिए. देखो इसी इक्वेशन से वो इक्वेशन डिराइव होता ई सेल. अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल. तो ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ, माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ. तो यहाँ पे आएगा माइनस डेल्टा जी अपॉन एन एफ, माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन एन एफ, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू टू द बेस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस. तो माइनस माइनस एन एफ से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एन एफ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस एन एफ कैंसर. माइनस एन एफ से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस एन एफ कैंसर. माइनस एन एफ से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस एन एफ कैंसर. सो व्हाट रिलेशन वी गेट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू टू द बेस 10. एकदा चेक करा लागेल, ते नोट्स आणले का कोणी, लिख लिया का, थोडसे थांबले असते एखादी महिना, लवकरच लिख लिया टेक्स्टबुक नोट्स वाटलं नाही एवढ्या लवकर विकत तुम्ही बघा आहे का. हा बघा, तो आपल्याकडे हे दोन इक्वेशन आहे, डेल्टा जी ई सेल इज इक्वल्स टू ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू टू द बेस 10 बरोबर आहे, ठीक आहे. हा तर याच्यात नेहमी खिचडी होते,
नेहमी खिचडी मायनस कुठे आणि प्लस कुठे, ठीक आहे? म्हणून यांना असं स्पेशल लिहायचं, ह्याचा नावाचा एखादी रावण बनवायचा, काल जसा बनवला होता त्याच्यात सांगायचं मायनस कशात आहे आणि प्लस कशात आहे, ठीक आहे? नेहमी कन्फ्युजन होतं याच्यामध्ये, ठीक आहे? तर लक्षात ठेवायचं ई सेलच्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय आहे मायनस, तर डेल्टा जीच्या फॉर्म्युल्यात प्लस, ठीक आहे? आपण काल रिएक्शन शिकलो, आज रिएक्शन शिकलो, क्यू काय क्यू, आणि यांना म्हणतात कोणतं इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन, कीप इन युअर माइंड, दीज आर कॉल्ड व्हीच इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन, दीज आर व्हीच इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन, एकच लक्षात ठेवायचं, दुसरं मग लिहायचं, ठीक आहे? चलो बघा क्या बोल, नॉन्स्ट इक्वेशन क्या, पास ई ए सांगा रे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई जीरो सेल मायनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू टू द बेस 10, कौन सा इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन, जिंक प्लस सी यू डाई पॉजिटिव गेट कन्वर्टेड इन टू जेड एन डाई पॉजिटिव प्लस सी, ही रिएक्शन है। आता क्यू काय आहे, क्यू इज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट, काय आहे बेटा क्यू, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट, तो कोण आहे रे बेटा प्रोडक्ट, जेड एन डाय पॉझिटिव्ह आणि सी यू, हे कोण आहे प्रोडक्ट आणि हे कोण आहे रिएक्टंट। परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1, कीप इन युअर माइंड दिस कॉन्सेप्ट, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1, याच्यामध्ये झिंक कोण आहे सॉलिड, कॉपर पण कोण आहे सॉलिड, प्रोडक्ट मध्ये कोण कोण आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जेड एन डाय पॉझिटिव्ह इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी यू सॉलिड, पण याची व्हॅल्यू किती आहे 1, म्हणून त्याला लिहिलं नाही तरी चालतं। त्याच्यानंतर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ झिंक सॉलिड इन टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी यू डाय पॉझिटिव्ह याची व्हॅल्यू 1, म्हणून याच्या फॉर्म्युल्यात काय मिळेल, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जेड एन डाय पॉझिटिव्ह अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी यू डाय पॉझिटिव्ह दिस गिव्ज यू क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट। सो वी हॅव दिस इज द फॉर्म्युला फॉर क्यू, क्यू इज गिवन बाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ जेड एन डाय पॉझिटिव्ह अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी यू डाय पॉझिटिव्ह दिस गिव्ज यू क्यू, ठीक आहे? तो क्यू इज अ रिएक्शन क्वेश्चन, इज अ रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक आहे? क्यू कसा काढायचं समजलं, कोणत्याही रिएक्शन साठी सॉलिडचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि लिक्विडचं कॉन्सन्ट्रेशन किती घ्यायचं 1, आणि गॅस असला तर कॉन्सन्ट्रेशनच्या ऐवजी काय घ्यायचं प्रेशर, फॉर गॅस, फॉर गॅस कन्सिडर प्रेशर इन प्लेस ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, गॅसच्या कन्सिडर, गॅसच्या केसेसमध्ये काय कन्सिडर करायचं प्रेशर कॉन्सन्ट्रेशनच्या जागी, ठीक आहे? आणि अंडर इक्विलिब्रियम कंडिशन, अंडर व्हिच कंडिशन, इक्विलिब्रियम कंडिशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडिशन कशाला म्हणतात रे इक्विलिब्रियम कंडिशन, जेव्हा फॉरवर्ड आणि बॅकवर्ड दोन्ही रिएक्शनचा रेट कसा असतो सेम, तेव्हा त्याला कोणची कंडिशन म्हणतात इक्विलिब्रियम कंडिशन, केव्हा म्हणायचं इक्विलिब्रियम कंडिशन, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बॅकवर्ड रिएक्शन देन वी से इट इज इन अ इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बॅकवर्ड, मतलब एक सेकंड में या एक मिनट में अगर एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसी एक मिनट में एक मॉलिक्यूल आएगा, तो क्या होगा, समझो 100 थे गया कितना 1, कितने हो गए 99, आया कितना 1, है ना, 100 थे 1 गया कितने बचे 99, उसी एक सेकंड में एक आया तो 99 प्लस 1 कितने हो गए 100, अरे 100 थे 100 रह गए, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा कॉन्स्टेंट, एक गया एक आया कुछ हुआ क्या नहीं,
समझ गए, और प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन कैसे रहेगा, कॉन्स्टेंट। और अगर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रेशियो भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। ये रेशियो भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। और अगर ये रेशियो भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, तो इसीलिए इसको अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, क्यू इज इक्वल टू के, और इसी को कहते हैं कौन सा कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ध्यान रखेंगे कौन सा कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। अंडर द विच कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्यू इज इक्वल टू के, और उसका जो डेल्टा जी होता है वो भी क्या होता है, जीरो। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन अगर हम उसमें पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन था हमारा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आरटी लॉग ऑफ क्यू। अंडर द विच कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या है अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू के। सो व्हाट वी गेट, डेल्टा जी ची वैल्यू जीरो, डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू चा ऐवजी के टू द बेस 10, आणि म्हणून आता हा 2.303 तिकडे जाईल, तिकडे प्लस आहे तिकडे मायनस, म्हणून काय फॉर्म्युला मिळेल, डेल्टा जी झिरो इज इक्वल्स टू मायनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के टू द बेस 10। ठीक आहे, दिस बाय दिस फॉर्म्युला वी कॅन फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ डेल्टा जी झिरो, दॅट इज द स्टँडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, अँड दिस के इज कॉल्ड विच कॉन्स्टंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट। तसंच आपण वरच्या पण इक्वेशन साठी वापरू शकतो, ई सेल इज इक्वल्स टू ई झिरो सेल मायनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ क्यू, हा आपला फॉर्म्युला आहे टू द बेस 10। पण इकडे लक्षात ठेवा काय, अंडर द विच कंडिशन, इक्विलिब्रियम कंडिशन, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडिशन क्यू इज इक्वल्स टू के, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडिशन क्यू इज इक्वल्स टू के, क्यू ची व्हॅल्यू कशाचे इक्वल होऊन जाईल के, अंडर द विच कंडिशन, इक्विलिब्रियम कंडिशन, अंडर द इक्विलिब्रियम कंडिशन वी हॅव क्यू इज इक्वल्स टू के। अजून एक महत्वाची गोष्ट काय होईल बेटा, इक्विलिब्रियम कंडिशनला क्यू ची व्हॅल्यू आणि के ची व्हॅल्यू काय होऊन जाईल सेम। अजून एक गोष्ट काय आहे इथे, हा काय, ई सेल पण काय होऊन जाईल झिरो, ई सेल इक्वल टू झिरो, म्हणून आता फॉर्म्युला काय मिळेल, ई झिरो सेल आहे का नाही, हा मायनस तिकडे जाईल तर काय होईल प्लस, मग काय फॉर्म्युला येईल, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ के टू द बेस 10। आणि याच्यावरूनच आपण अजून एक फॉर्म्युला डिराईव्ह करतो, 2.303 आर ची व्हॅल्यू जर आपण किती ठेवली, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, आणि जर एफ म्हणजे फॅराडे मगाशीच सांगितलं किती, 96500 कुलोम, बरोबर, आणि टेम्परेचर जर किती घेतला, 298 केल्विन, दॅट इज 25 डिग्री सेल्सिअस, या तीन कंडिशन जर तिथे ठेवल्या तो ई सेलचा जो फॉर्म्युला आहे, काय ई सेलचा फॉर्म्युला, ई झिरो सेल मायनस 2.303 आर ची व्हॅल्यू 8.314 टेम्परेचर 298 येतात 2.303 आर टी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर 96500। ये सब का कैलकुलेशन आता है 0.0591। ठीक है, इन सब का कैलकुलेशन आता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई झीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू टू द बेस 10। हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, उद्या सगळे फॉर्म्युले समराइज करून घेऊन जा। ठीक आहे, लगभग पाहते बेटा।
वरुण डाकू कंप्लीट उद्या किती वाजता घ्यायची मॅच 4 वाजता उद्या पेपर आहे ना परवा आहे पण 4 वाजता घ्यायची पेपर होईपर्यंत फिशरी कधी आहे फिशरी पश्चिम परवा झाला का माझा तुझं तर जनरल राहणार आहे फिशरी ठीक आहे मग फिशरी परवा आहे का मग 2-4 दिवस चालू झाले 4 ते 5 हां सकाळी कधीपासून तर तोपर्यंत संध्याकाळी चालणार हे बघा संपन्न आयपीवाल्यांना प्रॉब्लेम येईल